नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। स्वागत है आप सभी का नारायण एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, आज विषय रहेगा गोमेद पत्थर का। गोमेद का पत्थर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव दे सकता है? क्या गोमेद का पत्थर पहनने से राहु ग्रह शांत हो सकते हैं? और राहु ग्रह से संबंधित कुछ जानकारी आपको दूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक, जिनकी लगन कुंडली में राहु बैठता है, उनको गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। नंबर दो, जिनके कुंडली में सेकंड हाउस में राहु मिलेगा, वो कभी अपने कुटुंब वाले, अपने जो ताए चाचे नाने मामे रिश्तेदार भाई बंधु, जो कुटुंब परिवार जिसको बोलते हैं, उनसे संबंध उसके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। जिनकी कुंडली में तीसरे घर में राहु होता है, उनकी पार्टनरशिप नहीं चलती कभी किसी से। आप देखोगे एक व्यक्ति ने पार्टनरशिप की, 3 महीने भी नहीं चली, उसके पहले लड़ाई हो गई, काम बंद। यही राहु ग्रह अगर चौथे घर में कुंडली में आपके बैठे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लॉटरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यह चौथे घर में राहु है, आप लिटिगेशन की प्रॉपर्टी में विजय की प्राप्ति लेते हैं, सफलता लेते हैं, सक्सेस लेते हैं। यही राहु देव अगर चौथे घर में अगर पूर्ण युवा हैं, तो मान के चलिए आपको लग्जरी लाइफ के साथ बहुत आगे बढ़ाएंगे। राहु दोस्तों हर भाव में अलग मतलब है राहु का। राहु देव शेडो ग्रह, छाया ग्रह है, शनिदेव की छाया मानते हैं, शेडो मानते हैं। बहुत ही शातिर, बहुत ही चलाक, बहुत इंटेलिजेंट स्टार है राहु। राहु का अगर आपने समझना है सिस्टम, देखिए प्लानर, एक राक्षस ने प्लान किया कि मुझे भगवान विष्णु के हाथ से अमृत पीना है। देवताओं का रूप बनाया और बैठ के लाइन में और अमृत पी लिया। उसके बाद काटते रहो, भगवान ने गर्दन काटी, केतु बन गए, धड़ अलग सिर अलग। राहु केतु के बारे में जब बात आती है दोस्तों, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है इस विषय के, बहुत बहुत सारी हजारों लाखों बातें हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ राहु देव यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली में छठे घर में आ गए, दुश्मन का सत्यानाश करते हैं। ये राहु देव छठे घर में आने के पश्चात आपको दुश्मन को दबाएंगे, शत्रुता को खत्म करेंगे। यही राहुदेव यदि सेवंथ में पत्नी के घर में आ गए, वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब करेंगे। राहुदेव यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में चले गए, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, झगड़े, और विदेश में जाओगे लेकिन सक्सेस नहीं होने देगा, वापिस भगाएगा, वीजा कैंसिल करवा देगा, पीआर नहीं लेने देगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया में गए, सिडनी में सेटल हुए, 2 साल बाद आप मेलबर्न जा रहे हो, मेलबर्न में सेटल हुए, थोड़े दिन बाद में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई, आप एडिलेड में जा रहे हो। आप पॉइंट ये है कि अगर 12 का राहु आ गया तो आपको टिकने नहीं देगा विदेश में भी। यही राहु अष्टम में आ गया, पेट की पत्थरे 99% आएगी। पत्थरे नहीं आएगी पेट की, तो आपको कुछ और पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देनी है राहु देव ने। ग्रह तो हैं, ग्रह तो अपना काम करते हैं। नारायण जी की जो अब तक की स्टडी है, इसके अंदर मैं सबसे अच्छा राहु मानता हूं, जो मेरा अपना अनुभव है, सबसे बढ़िया राहु 11वें घर का, 11th हाउस का, और सबसे खराब 12वें घर। अब यही राहु देव अगर अच्छा करना है राहु को, आपने आपकी जन्म लग्न कुंडली में राहु को आप चाहते हैं बढ़िया करना है, तो आप गोमेद का पत्थर पहने। गोमेद पत्थर जैसे ही आप पहनते हो, यदि राहु की महादशा चल रही है 18 साल की पूरी, तो आपको सोने की अंगूठी में पहना करके लॉन्ग टाइम के लिए पहनना हो तो गोल्ड में पहनो, शॉर्ट टाइम अंतरदशा में पहनना हो, प्रत्यंतर दशा के लिए पहनना हो, शॉर्ट टाइम के लिए पहनना हो, तो चांदी में पहनो। आपको यदि राहु की महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में यदि खराब है,
स्किन की एलर्जी हो रखी है, बालों की हेयर फॉल हो रहा है, तो आप घुमेद पहन लो, काफी ज्यादा लाभ मिल जाएगा। घुमेद बहुत सुंदर होता है, कॉफी कलर का आता है, ब्राउन कलर का आता है, ब्लैक कलर का आता है, कई सारे कलर के आते हैं। श्रीलंका का सबसे बढ़िया श्रीलंका का सिलोन का आता है, इंडिया का भी आता है, गया जी का भी घुमेद आता है। बिहार में गया जी है, अपने हिंदुस्तान में गया जी का आपने तीर्थ का नाम सुना होगा, वहां की माइंस भी हैं पत्थर की, झारखंड में भी निकलता है, बहुत सारी जगह घुमेद की। लेकिन सबसे उत्तम श्रेणी, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी आप किसको मानते हैं? श्रीलंका को। और ग्रेविटी होनी चाहिए 4, अगर 4 ग्रेविटी का यदि घुमेद पत्थर है तो पका हुआ पत्थर है, लैब टेस्टेड पत्थर होगा, शानदार पत्थर होगा, वो पहनो, रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं घुमेद पत्थर की। घुमेद पत्थर आपकी जन्म लग्न कुंडली में राहु की डिग्री के अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी वजन मेरा तो जी 1 क्विंटल है, मुझे तो 10 रत्ती पहनना होगा, ये मेरा तो 50 किलो वेट है तो मुझे तो 5 रत्ती चलेगा। नहीं, यहां गलत है ये फॉर्मूला। अकेला वेट, आपकी बॉडी का वेट क्या है? आपकी बॉडी का वेट तो रोज कम ज्यादा होता है। कभी आपने ज्यादा आपने खाना खा लिया, ज्यादा अजीब तरीके के तला खाना शुरू कर दिया, 1 साल आपका वेट गेन कर गए। बहुत से लोग हैं 1 साल में 5-5, 8-8 किलो, 10-10 किलो वेट लूज कर लेते हैं। तो क्या फिर स्टोन कम करते रहेंगे, ज्यादा करते रहेंगे, यही काम रहेगा? एक ये फॉर्मूला राइट नहीं। ग्रहों की डिग्री, महादशा अंतरदशाओं का फल कितनी देर में है, गोचर में कहाँ है, यदि इसको ध्यान में रख करके आप घुमेद का वजन तय करेंगे, बहुत ज्यादा लाभ देगा। बुधवार के दिन पहनना होता है, शाम के टाइम 7 से 7:15 बजे के बीच में सबसे सुपीरियर बेस्ट टाइम होता है। दिखने में कैसा है दिखाऊंगा आपको, बहुत सुंदर कलर है, एकदम ब्राउनिश, एकदम कॉफी कलर, एकदम बेस्ट क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट, शानदार क्वालिटी का घुमेद। ये हमने भी पहना हुआ है ऐसा घुमेद। घुमेद कंसंट्रेशन बहुत अच्छी देता है। जिनके सुसाइडल अटेम्प्ट के ख्यालात मन में आ रहे हो, नेगेटिव भावना आ रही हो, गंदे ख्यालात आ रहे हो मन में, चोरी करने के विचार आ रहे हो, बार बार अगर रेड लाइट आप जंप करते हैं, मतलब आपकी कुंडली में राहुदेव खराब है। करते कब है? जब लास्ट के 5 सेकंड रह जाते हैं, 10 सेकंड रह जाते हैं, तब आप रेड जंप बत्ती जो है क्रॉस करते हैं और टिकट कटती है, चलान कटता है, मतलब राहु खराब है। बहुत अच्छी बात करते हो, डील कोई भी सिरे चढ़ाते हो, शुरू से लेकर एंड तक बहुत 99% बहुत अच्छा काम किया, लास्ट 1% लास्ट जब डील होने वाली होती है, आपकी जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं, पूरी डील खत्म हो जाती है आपकी। राहु देव आपकी कुंडली में चेक कीजिए, पंचम स्थान पे डिस्टर्ब कर रहे हैं बुद्धि को, वाणी के घर में, या 11 में बैठ करके पंचम को तो डिस्टर्ब करेंगे कर, लेकिन एक बात है 11 के घर में अगर राहु देव आते हैं या कोई भी पापी ग्रह आते हैं तो अच्छा फल देते हैं। घुमेद का पत्थर बुधवार के दिन शाम को 7:15 बजे पंचामृत दूध दही घी शहद चीनी शक्कर पंचामृत गंगा जल में धोकर धूप दीप करके प्राण प्रतिष्ठा करके ओम राम राहुवे नमः या राहुदेव की कोई भी बीज मंत्र का पाठ पढ़ के 108 बार कम से कम, और यदि हो सके तो राहुदेव के बीज मंत्रों का पूरा पाठ करवा के पंडित जी से शुद्ध करवा के जाप करा के प्राण प्रतिष्ठा करवा के फिर आप घुमेद पहन लो दोस्तों, यकीन मानना आपकी जिंदगी में खुशी लेके आता है घुमेद। आप पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, आपको घुमेद की जरूरत है। पब्लिक को पीछे लगाना है, अपनी बातों में लेके आना है, घुमेद चलेगा। घुमेद बहुत बढ़िया रत्न है, बहुत अच्छा रत्न। आप घुमेद के बारे में जरूर विचार कीजिएगा, आपकी जिंदगी में कौन सी कमी है, कौन सी खूबी है कि आपको घुमेद सूट करे। तो दोस्तों बहुत सारा विचार है घुमेद के ऊपर, आप घुमेद पहनिए अच्छे किसी विद्वान से डिस्कशन करके। और अगर आप नारायण जी के वीडियो प्रोग्राम्स चाहते हैं कि रोजाना आपको मिलते रहें, तो नारायण एस्ट्रो इंडिया, एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण,
एस्ट्रो फ्रेंड नारायण चंडीगढ़ के नाम से आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, या नारायण भविष्यवाणी के नाम से भी कीजिए तो आपको नारायण जी के सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और पर्सनली मुझसे आप चंडीगढ़ में या बॉम्बे में टाइम लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। दोस्तों, एक रत्न इंसान की जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रत्नों में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। उपाय करके देखें, गोमेद का रत्न एक बार अपने जीवन में जरूर प्रयास करके देखें, कुछ अच्छा जरूर होगा। नारायण जी को आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।